हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑटो कैड से पीडीएफ के बारे में बताऊंगा कि ऑटो कैड फाइल से पीडीएफ जो है वो फाइल कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक कैड की फाइल पड़ी हुई है, तो इसको मैं ऑटो कैड के अंदर पड़ी हुई फाइल को पीडीएफ में बनाने का आपको तरीका सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल पी करना है। और जैसे हम लोग प्रिंट लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे प्रिंटर प्लॉटर लिखा हुआ है, यहाँ इधर आकर आपने क्या करना है कि ड्रैग टू पीडीएफ, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्त, आपने नीचे वाली ऑप्शन में आना है जिधर आप लिखा हुआ है पेपर साइज। तो यहाँ आकर आपने क्या करना है, यहाँ आप अपनी मर्जी का जो पेपर है जिसके ऊपर आपने पीडीएफ की जो फाइल बनी फाइल को लेके जाना है ऑटो कैड से पीडीएफ पेज के ऊपर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप वो पेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ढेरों सारे जो है वो पेज पड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास जो है वो A2 का, A4 का, A3 का, A1 का, मीन ए या A0 का। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो पेपर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि मैं आपको A3 के पेपर के ऊपर उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके नीचे आना नेक्स्ट ऑप्शन में जिधर आपका डिस्प्ले लिखा हुआ है, इधर आकर आपने विंडो जो है उसको आपने इसको क्लिक कर देना है। तो अब आपने जो ड्राइंग है जिसकी आपने पीडीएफ बनानी है, तो उसको आप आकर ये सिलेक्ट कर ले। ये मेरे पास एक घर का मैप पड़ा हुआ है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो दोस्त, यहाँ पे आके जो बताने वाली बात है वो ये है कि प्रव्यू के अंदर ये देखें, जैसे ये जिधर मेरा कर्सर है, इधर जो है वो ड्राइंग जो पेज के बिल्कुल एक साइड पे है। तो ये होता ये है कि यहाँ पे अगर मीन के मैं आपको इसका प्रव्यू दिखाता हूँ, तो ये एक पेपर के एक साइड पे, तो ये सारा पेपर जो है ये खाली होगा। तो आप दोबारा फिर वहां पे आए प्रिंटर जिधर आपने सिलेक्ट किया, तो आपने क्या करना है, इसको सेंटर द प्लॉट को क्लिक कर देना है। तो अभी ये इसका प्रव्यू देखो, वो आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में ड्राइंग आ गई है। तो दोस्त, इधर आकर आपने नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपने क्या करना है, अगर आपने इसको मिलीमीटर में लेनी है तो मिलीमीटर को सिलेक्ट कर ले, अगर इंचेस है तो इंचेस में सिलेक्ट कर ले। अगर आप स्केल पे नहीं है तो आप इसको इंचेस में या मिलीमीटर में, वाट एवर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिससे मर्जी कर लें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्त, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अगर आपने पोर्ट्रेट लेनी है तो आप उसको पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने लैंडस्केप करनी है तो लैंडस्केप सेट करेंगे। जैसे हमारे पास ये देखे, पहले ये लैंडस्केप के पड़ी हुई है अपना ड्राइंग जो आपके पेपर के ऊपर है, अगर आपने इसको प्लॉट पोर्ट्रेट में लेनी है तो ये आपके पोर्ट्रेट में फैल हो जाएगी। बड़ा इजी सा है, और ये जिस जिस तरह का आपका पेज होगा, जैसी ड्राइंग होगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट, आप उस हवाले से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो उसके बाद जो अगर आप मीन के आपने ये ड्राइंग जो है ये आप पीडीएफ बनाते हो, अगर आपने पीडीएफ में कलर में लेनी है, तो आप यहाँ पे प्लॉट स्टाइल के टेबल में आप कार यहाँ पे आप उसको, अगर मीन के आप उसको नन करेंगे तो आप उसको, मैं आपको प्रिव्यू करके दिखाता हूँ, तो आपकी जो ड्राइंग वो कलर में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये आपका कलर में है, जो आपने प्रिंट जो है अपनी जो पीडीएफ फाइल बनानी है, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर कलर में उसको पीडीएफ बनाना, तो यहाँ पे आप के नन करेंगे। अगर आपने कलर के ऊपर नहीं लेनी तो उसके बाद, वरना आप आकर मोनो क्रोम के अंदर आकर सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपकी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो फाइल हो जाएगी। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटो कैड से पीडीएफ जो मैंने फाइल बनाई, तो वो वाली जो फाइल है वो आपकी कलर में सिलेक्ट हो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं उसको कलर में ही रखता हूँ। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मीन किसी दोस्त को समझ नहीं आई, तो वो इसको मुझे दिए हुए इस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं, या कमेंट्स के अंदर अपने जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपकी वो फाइल जो है वो ऑटो कैड से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट जो और लास्ट ऑप्शन जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको आके अपलोड कर देना है।
तो ये आपका वो एरिया गया, इधर आप आकर आपने जिधर सेव करनी है जिस मर्जी फोल्डर में, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर रखने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मर्जी आप नाम लिख सकते हैं फोल्डर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के पीडीएफ फाइल। तो मैंने इसको दोस्त क्या किया, मैंने ऑटोकैड की जो ड्राइंग थी उसको मैंने पीडीएफ में कलर में जो है वो उसकी फाइल बना लिया है, तो वहां पे आके मैंने सेव कर दिया। तो दोस्त ये वाली वो जो फाइल है वो पीडीएफ बन गया। दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी दोस्त को समझ ना आए तो वो दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अस्सलामु अलैकुम।